हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग ग्रेड एग्जाम इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। ज्योमेट्री का यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 4, सर्कल्स एंड पॉलीगॉन, एग्जांपल नंबर 15, सब एग्जांपल नंबर 2। टू डिवाइड अ गिवन सर्कल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। हिंदी प्रश्न विभाग चौथा, वृत्त और बहुभुज। उदाहरण, दिए गए वृत्त सर्कल वर्तुल को 6 बराबर भागों में विभाजित करना। प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त सर्कल वर्तुल को 6 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। मराठी प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्येच्या वर्तुळाचे 6 समान भाग करा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 सब क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, इसे नाम देना है ओ, और क्वेश्चन में दिए गए अनुसार कंपास में जो रेडियस लेना है वो लेना है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस प्रकार से हमने कंपास में राउंडर में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर यहाँ पर एक सर्कल खींचा है, सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद कंपास में राउंडर में हमें डिस्टेंस यही रखकर इस सर्कमफेरेंस पर हमें 6 इक्वल मार्क बनाने हैं। इस कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस रखकर हमें यहाँ पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर मार्क बनाना है। उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वाला मार्क ने किया। 6 आर्क यहाँ पर हमने बनाए। इस आर्क ने इस सर्कमफेरेंस को क्रॉस किया है, वहाँ पर हमने पॉइंट लिए हैं। उसके बाद इसे हमें नाम देना है, यहाँ पर नाम देना है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। बी सामने वाले जो पॉइंट है उसे डॉटेड लाइन से हमें जोड़ना है। इस प्रकार से अब ए डी को जोड़ना है, अब सी एफ को जोड़ना है। इस प्रकार से हमने इस सर्कल के 6 इक्वल पार्ट बनाए। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था। बच्चों, यहाँ पर आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। आज का एक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।